आ जाओ आ जाओ, क्या याद रखोगे? आज ना आपको पूरी यूनिवर्सिटी का गेड़ा करवाते हैं। ऐसे नहीं, विद हल्का हल्का म्यूजिक ऑन कर दे भाई। और हाँ, एक और बात यार, वीडियो थोड़ी लंबी है बट इट्स वर्थ वॉचिंग। तो भाई छोड़ के जाने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। थोड़े से स्पेशल होने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई ऐसा भी क्या है, तो यार भाई आज मैं करने वाला हूँ हजारे यूनिवर्सिटी का पूरा रिव्यू, पूरा टूर मारते हैं भाई, देखते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, सारे शुगल मिले आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ के। और पता है मजे की बात, मेरे साथ आज कौन है यार? मैं एक मेल हूँ और ये मेरे साथ दो जो हैं ये फीमेल्स हैं, और ये है भाई हलीमा ताज। पहले मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। हलीमा है भाई म्यूज़िक सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट भी है, और यहाँ पे डीपीटी की स्टूडेंट भी है, और यूनिवर्सिटी इनको जानती भी है। हलीमा कैसी हो? मेल होता कितना मेल हो? होता है मेल। मेल ही बोला यार, मेल मेल बोला। हाँ, मेल बोला। तुम्हें मेल तो नहीं बोलना यार, तुम फीमेल हो। लेकिन तुमने कुछ और बोला है ना यार, तुम्हें फीमेल ही बोला है यार। अच्छा, ये कश्माला तरीन है और कश्माला खान तरीन यार एक तो। अच्छा, कश्माला जो है ये कल्चर एंड हेरिटेज में जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, और यहाँ पे आईआर की स्टूडेंट भी है, इंस्टाग्रामर भी है, और इन दोनों पर्सनालिटीज़ को पूरी यूनिवर्सिटी जानती है यार। और क्या करूँ तारीफ यार, अब क्या खिलाओगे मुझे? तारीफ भी कर दी है, तारीफ मैंने की है, खिलाऊं भी मैं। अच्छा तो यार, यूनिवर्सिटी का टूर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई ये रास्ते की बात करते हैं यार। तो ये जो है ना, ये जो रास्ता जा रहा है स्पेसिफिकली इस डिवाइडर से इस साइड पे, सुबह के टाइम पे ये लड़कियों के लिए होता है और वो लड़कों के लिए होता है। किस टाइम तक हलीमा? 9 बजे तक। 9 बजे तक। और भाई इसकी लॉजिक हमें आज तक समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन दिस इज़ द फैक्ट। अच्छा यार, तो ये भाई यूनिवर्सिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ भाई ये वेलकम शेलकम हो गया हमारा, आपका नहीं हुआ, हमारा हुआ है सिर्फ। और वो सामने जो है ना, वो आपको हम लोग दिखाते हैं कि भाई ये इसको क्या कहते हैं, रोज एंड जैस्मीन गार्डन। और यहाँ पे आपको जो है ना वो फूलों के बाग नजर आएंगे, जो किसी ने छोड़े नहीं है इधर। यार भाई मसला यहाँ पे यही है कि ये आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स लगे हुए हैं, वो दूर तक जो है वो यही बाग हैं। और यहाँ से रोज़ कोई ना कोई आता है, गुलाब तोड़ता है किसी को देने के लिए, जबकि अलाउड नहीं है तोड़ना। ये देखो यहाँ पे ये फूलों के ऊपर मक्खियाँ भी आती हैं ना, तो ये रस चूसने आए हुए हैं दोनों। ओए तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? हेलो हेलो, कैसे हैं आप? फिट यार, आप सुनाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? जन्नत का रास्ता था, हमने कहा था जन्नत का रास्ता नहीं भाई, किसी के लिए फूल तोड़ने आए हो। ये तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है। नहीं, हम सिंगल्स तो पढ़े हैं। सिंगल्स हो इस यूनिवर्सिटी में? सारे सिंगल हैं यार। तो सरमद और उमेर ने भी जो है मुझे ज्वाइन कर लिया व्लॉग में। तो यार यूनिवर्सिटी में इंटर होते ही राइट टर्न पे आपको बहुत ही बड़ी और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद दिखेगी, जो कि बहुत बड़ी भी है और वाकई में बहुत खूबसूरत भी है। इसके सामने जो है एक दो ग्राउंड्स हैं, और इसके बिल्कुल साथ जो है हमारा सोशियोलॉजी एंड आईआर डिपार्टमेंट है। इन डिपार्टमेंट्स के बिल्कुल साथ ना हमारा नैनो पीसीबी ग्राउंड है, जहाँ पे इस टाइम पे मैच चल रहा था और बहुत शोर था यार। देख सकते हो ये सब आके यहाँ पे मैच देखने लग गए हैं। कल हमारे डिपार्टमेंट का सेमीफाइनल था, हमारे डिपार्टमेंट का मैच है ना। आपको कौन सा डिपार्टमेंट है? मेरा डीपीटी के, लेकिन हम माइक्रो के साथ पढ़ते थे। यार मैं उधर शर्ट्स का पूछ रहा था यार, कौन सी शर्ट्स है? तरबूजे यार। इनके डिपार्टमेंट के चल रहे थे मैचेस, तो इन्हें वहां से एक तो लाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन समहाउ ये आई गए। हलीमा जो कितने गौर से मैच को देख रही थी, जब इससे पूछा गया कि एक ओवर में कितनी बॉल्स होती हैं, तो हलीमा ने जवाब दिया 12। वाओ, इस बात पे हलीमा को ना 22 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए, नहीं 21। तुम कसम उठाओ, तुम्हें पता था ये पहले? यार मुझे पहले पता था, पहले जमाने में पता था, फिर मैं भूल गई हूँ, जब मैं पीएसएल देखती थी। अच्छा ना, तुम फ्री ना हो? जब ये पीएसएल देखती थी, जमाने पीएसएल नहीं होता। एग्जैक्टली, अभी इसने बोला 12 वाले होती है, ये अभी मुकर गई है, अभी ये मुकर गई है। अच्छा यार, तो ये भाई हमारी यूनिवर्सिटी का जो है वो डी चौक है, और ये आप देख सकते हो यहाँ से रास्ता आ रहा है। इस साइड पे जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं, इस साइड पे जो है वो वीसी लॉन है, और पीछे वीसी के सेक्रेटरीट वगैरह वो सब कुछ आता है। इस साइड पे जो है वो एक बड़े मज़े का अमेजिंग सीन है, वो क्या है वो मैं आपको व्लॉग के बिल्कुल एंड पे बताऊंगा, उस चीज़ का वेट करना, हमने जाना वाना कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे ना यार बड़ी अमेजिंग किस्म की चीज़ें हैं,
तो ट्रस्ट भी आपको देख के बहुत ही मजा आएगा और आप इस यूनिवर्सिटी में तो भाई कन्फर्म होगे। तो पहले हम लोग इस साइड पे चलें, फिर क्या कहते हो चले? ओ पहले उनको मिल लेते हैं, बीसी साहब की कॉल आई है। क्या कहते हैं, चाय शाय पिलाएंगे? चाय नहीं कॉफी है। बस ठीक है, फिर चलते हैं कैपेचिनो। अच्छा यार, ये हमारी यूनिवर्सिटी का जो है वो वीसी लॉन है, ये सामने जो है वो वीसी की रेजिडेंस है, और वो पीछे हमारे पास भाई समथिंग स्पेशल ऑफ आवर यूनिवर्सिटी म्यूजियम। ये जो है ये म्यूजियम बना हुआ है और अंदर से काफ़ी प्यारा है, और वो आगे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के ऑफिसेज हैं, और इनको तो आप लोग जानते ही हो यार। सबसे मज़े का एरिया मुझे ये वाला लगता है सारा में, ये वाला। क्यों? खूबसूरती। व्हाट्स द रीजन? ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन यार। एक बात बताओ, यहाँ पे कपल्स क्यों नहीं नजर आते? जस्ट कॉज ऑफ प्रॉक्टर्स। ये जो है ना हमारे प्रॉक्टर साहब। अच्छा यार, एक और बात बताऊँ, कपल्स होते हैं भाई और लेकिन अलग अलग शाखों पे, यू नो रूट सेम होती है लेकिन जो ऊपर उनकी शाखें ना वो थोड़ी अलग होती हैं। दूर दूर होते हैं लेकिन होते हैं भाई। अब जाहिर है जिन्होंने मिलना है तो फिर उन्होंने मिलना है। चले फिर आगे आ जाओ। जिन्होंने मिलना है उसको तो कोई सुधार ही कर सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा यार, ये ऊपर आप देख सकते हो, ये एयर स्ट्राइक जोन है हमारी यूनिवर्सिटी का। अगर आप यहाँ से सलामत गुजर गए, अगर आप पे कवो ने थोड़ी सी मेहरबानी कर दी, तो भाई यू हैव अकम्पलिश्ड फॉर द नेक्स्ट मिशन। और भाई ये रास्ता जो है वो जा रहा है अभी डिपार्टमेंट्स की तरफ। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी पीछे सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वो मैं आपको अभी जाके दिखाता हूँ। ये भाई हमारा अमीर तरीन डिपार्टमेंट है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, और यूनिवर्सिटी का सबसे प्यारा डिपार्टमेंट भी यही है। ये चेक करो भाई, यूनिवर्सिटी अभी स्टार्ट हुई नहीं है, ये वहाँ पहले ही थक गई है। बर्गर बच्चे इस्लामाबाद के बर्गर। अच्छा यार, ये चेक करो भाई, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस डिपार्टमेंट। लाइक तुर्किश मेड बिल्डिंग है ये, और यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह बहुत प्यारी हुई हुई है। इनकी क्लासेस भी अंदर बहुत प्यारी हैं। अभी ऑफ है तो मैं आपको बाहर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अच्छा यार, आप लोग सोच रहे होगे कि भाई यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई है। नहीं यार, यूनिवर्सिटी अभी शुरू ही है। पता है क्यों? ये चेक करो, तो हमारी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं। पहले डिपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं यार हम लोग। तो पहला डिपार्टमेंट में ये शेयर पढ़ते हैं। लॉ डिपार्टमेंट। तुम लोग वकील हो या बनने वाले वकील हो? अच्छा तो यार, ये हमारा लॉ डिपार्टमेंट है यहाँ पे। बाकी जो है हमारा बी कॉम वगैरह भी है, और उसके बाद आ जाता है डायरेक्टरेट ऑफ आईटी है उसके बाद, और उसके बाद जो है वो हमारे पास फिर एग्रीकल्चर। हाँ, आर्ट एंड डिज़ाइन वो थर्ड वाली बिल्डिंग है, फिर आगे एग्रीकल्चर वगैरह आ जाता है। एग्जैक्टली। इसका डिपार्टमेंट जूम करके दिखाते हैं भाई। ये 9 नंबर ब्लॉग है, जिसको भी इनसे मिलना है आप आ जाए। ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर हैं, और मेरा डिपार्टमेंट जो है यार वो भी लॉ डिपार्टमेंट है, ये वाला। ओ भाई, लॉ की सुपरमेसी, लॉ वालों की सुपरमेसी है, रूल ऑफ लॉ। तुम लोगों को तो ये तो डॉक्टर है ना, ये देखो बाद में जोड़ते हैं, पहले हड्डी शड्डी टूटे हुए इनके पास आए, और ये इधर देखो ये हड्डियाँ जोड़ देगी, ये हड्डियाँ जोड़ेगी ब्लॉक के बाद ही। अभी तो है यार, ये देखो जब आपको केजी वाले जोक्स आ रहे हो ना, तो आप कहते हो हम आपको ब्लॉग के बाद जवाब देंगे। फलाड़े पुल पे आ तू। तो यार हम आपको इनमें से कौन से डिपार्टमेंट का टूर करें? आर्ट एंड डिज़ाइन प्यारा है, बहुत 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 प्यारा। तो यार फिर ऐसा करते हैं, आर्ट एंड डिज़ाइन चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उस ब्लॉग पे क्या है। किसी ने ट्राई किया था भाई हमारी यूनिवर्सिटी का और एक थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर सा बनाने की, इधर से तो कोई डिपार्टमेंट ही उखाड़ के ले गया, और ये थोड़े से जंगलात और एक दो डिपार्टमेंट यहाँ पे बच गए हैं। बाकी यार ये जो है ये बहुत प्यारा डिपार्टमेंट है, आर्ट एंड डिज़ाइन।
यार एक बात बोलूं, खफा नहीं होना, यहाँ से मुझे सुजुकी की बैक साइड वाली वाइब्स आती हैं। इसको ट्रक कार्ड बोलते हैं, तुम्हें पता है कितना डिमांड? क्या कहते हैं इसको? ट्रक कार्ड है। यार ये ट्रक कार्ड होता है। अच्छा मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी चल रही है। तो आप मेरे साथ रहेंगे, आपको और भी बहुत कुछ पता है। अच्छा बात सुनिए, आप आला तालीम हासिल करने आई कहाँ से हैं वैसे? बताए ना, इस्लामाबाद से आई। शी इज फ्रॉम इस्लामाबाद यार, और इनको हज़ारा बहुत पसंद था। तो जरा नहीं पसंद था, झूठ बोल रही है। यहाँ पे जो है ना यार, आप देख सकते हो ये जो बीम्स हैं, इन पे ढांचे शांचे बने हुए हैं सब पे। किसी पे थानेदार बने हुए हैं, किसी पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स बने हुए हैं, एक पे सरबत भी है। और ये आप देख सकते हो बाकी यहाँ के सीन्स, ये चेक करो यार। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ली थी इसका हाथ पकड़ के, एंड साथ में लिखा था फाइनली आई गॉट हर विद बैग फुल ऑफ मनी। ये कुछ बना हुआ है बड़ा प्यारा सा, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये क्या है। इतना प्यारा नहीं, ये नया बताइए। ये भी प्यारा लग रहा है, कैमरा में प्यारा है। हाँ यार ये पत्थर उठा के अंदर ला के रखती हैं, और इसके ऊपर गढ़ा है जिसमें पानी ठंडा होता है। ये मोनूमेंट है। ओह हाँ एग्जैक्टली, ये मोनूमेंट है। और बाकी यार छत वत पे भी बड़े मज़े के बने हुए हैं, ये चेक करो यार। मैंने आपको रूफ टॉप्स तो दिखाई ही नहीं है, यहाँ पे भी बना हुआ है और आगे वाले रूफ पे भी बना हुआ है। तो भाई मटके में क्या ढूंढ रहा है यार? जब मेरी डिग्री खत्म हो जाएगी ना तो मैं मटके उठा के घर ले जाऊंगा। अभी ले जा, तू कोई कुछ नहीं कहता, कर ले जा ले जा, जरा ग्लास भी मंगवा के दूँ। चेक करो यार, माशाल्लाह से हमारी मस्जिद का जो है वो पूरा डिज़ाइन एक बना हुआ है, और ये बहुत प्यारा लग रहा है सीरियसली। इधर आओ, क्या कहते हैं? ये दो ऐसे स्पॉट्स हैं ना, एक ये और एक वो, जहाँ पे यूनिवर्सिटी के तकरीबन हर बंदे की पिक्चर मौजूद है। यहाँ पे भी कुछ आर्ट्स वर्ट्स बने हुए हैं, आई थिंक चलते हैं यार इसे। ओ भाई चुप कर जा, अभी मैं बता रहा था, जलील कर रहा था कि यहाँ हर बंदे ने ली हुई है यार। एक तो कसम से ये अच्छा। तो यार अब ऐसा करते हैं कि ये डिपार्टमेंट हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया, अब चलते हैं बाकी यूनिवर्सिटी की तरफ। अच्छा यार, तो मैंने आपको कहा था कि भाई कुछ बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्पेशल मैं आपको दिखाऊंगा, और व्लॉग के स्टार्ट में कहा था, वो पता है क्या था यार? पहली बात तो ये है कि भाई ये चेक करो, हमारा टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी का डिपार्टमेंट, इसका व्यू चेक करो, यहाँ पर सिटिंग चेक करो, लाइक पूरी आपको फॉरेस्ट वाली फीलिंग्स आती हैं। आती है कि नहीं आती? किसको नहीं आती? आपको नहीं आती क्या? मतलब अब यहाँ पे बंदर हो जरूरी है? हैं तो सही बंदर। तुम बात ही करो सर, मत कैसे हो? अच्छा एक और मजे की चीज यार, जिसकी मैं बात कर रहा था कि भाई यहाँ पे बहुत स्पेशल है, वो है ये मींस टू से कि भाई फिजेंट्री। यार यूनिवर्सिटी कौन सी ऐसी है भाई जिसमें साथ में आपको फिजेंट्री भी मिले? अब यार ये इसका मेन गेट है, यहाँ से इसकी एंट्री, और बहुत बड़ी फिजेंट्री है और बहुत बड़ी है। लेकिन अब मसला ये है कि भाई इस टाइम पे ये बंद हुई हुई है, तो मैं अंदर तो जा नहीं सकता। यार फिजेंट्स और एनिमल्स तो ऐसे छुप रहे थे भाई जैसे कि लड़कियाँ छुप रही होती हैं जब उनके घर में रिश्ता आता है। बड़ी मेहनत के बाद भाई एक और वो पीछे से एक और दूसरा हिरन है, ये दो दिखे, और इसके बाद एक ऑस्ट्रिच बड़ी मुश्किल से जूम करके आपके लिए लाई है। एक ही है? हाँ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 9x पे, क्योंकि ऑस्ट्रिचेस जो है यार एक नहीं है, बहुत सारी हैं, लेकिन अभी वो अंदर है ना। आ जाओ आ जाओ सरमद, आपको शेर भी देखना था? मुझे शेर देखना है यार सरमद, आप शेर इधर, शेर भी है और भी काफी सारा परिंदे जानवर, बहुत सारे परिंदे हैं, लाइक बहुत सी आपको यहाँ पे एग्जाम मिलेंगी परिंदों की, बर्ड्स की, और शेर है यहाँ पे, टाइगर है, और बहुत सारी चीजें यार, मतलब एक फुल जू वाली फील आती है आपको फिजेंट्री में जाकर। लेकिन जाना नहीं देते? लेकिन यार जाने भी देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा उस साइड से घूम के आना पड़ता है। तो भाई ये स्पेशल पार्ट था जो मैं आपको दिखाने वाला था। और रुको एक सेकंड, जाना नहीं है भाई, दो तीन और चीजें मिस नहीं करना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपने यहाँ पे एडमिशन कैसे लेना है, और एडमिशन कब ओपन हो रहे हैं, और यहाँ पे आपको आना चाहिए या नहीं। तो लेट्स गो। अच्छा यार हलीमा जो है यहाँ पे हॉस्टेलाइट है, तो इनसे ज़रा ये भी पूछ लेते हैं कि यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल जो है वो कैसा है। तो हलीमा क्या कहना चाहेंगी? बस नॉर्मल सा है, बहुत अच्छा भी नहीं और बस अच्छा है, मतलब आना चाहिए गर्ल्स को। कर्फ्यू टाइमिंग बड़ी, हाँ यार जिसने आना है वो आ जाएगा, मतलब अच्छा है, रहने लायक है। हाँ रहने लायक है, अच्छा बहुत, नई फैसिलिटीज हैं, वाईफाई आपको, मैस डिपेंड करता है आजकल सही जा रहा है।
नहीं सही जाता, हम कंप्लेन कर देते सही हो जाता है। हाँ हाँ, यहाँ तो डिपार्टमेंट्स वहीं पे खत्म नहीं होते, कुछ बिल्डिंग्स जो है वो बैक साइड पे भी बनी हुई हैं, जिसमें हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह आ गई, स्टैटिस्टिक्स आ गई, मैथ्स आ गया, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इन बिल्डिंग्स में हैं। इस सामने जो है वो एग्रीकल्चर वालों की जगह है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन लोगों ने डिफरेंट चीज़ें जो है वो ग्रो की हुई हैं। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, सनफ्लावर। तो यार सुना था कि ये जो इसका फेसिंग होती है वो जो होती है वो वहीं पे होती है जहाँ पे सूरज होता है, तो वाकई भाई बात तो ठीक है, ये उधर जा रही है और सूरज भी ऊपर से लग रहा है उधर जा रहा है। अच्छा तो यार मेरे बैक साइड पे जो आप देख रहे हो वो बजा भाई एक बार, गुड, एक और बजा, बस हो गया तेरा, अब मैं करता हूँ। अच्छा तो यार ये पीछे ट्रांसपोर्टेशन है, बसेस वगैरह खड़ी हुई हैं। और हलीमा ये सामने क्या है? ये सामने जो है वो पुराने डिपार्टमेंट्स हैं। इन्हें पहले तुमने क्या कहा था? तीन डब्बे हैं तो हैं, लेकिन हम वहाँ तो पढ़ते तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन अभी बंद है। ठीक है, exactly. वहाँ पर जिम है, है? जिम भी है यहाँ पे? हाँ है। सच में? हाँ, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, दोनों के लिए, दोनों के लिए। टाइमिंग यार मतलब गर्ल्स के लिए भी जिम है और बॉयज के लिए भी है, मतलब आपको फैसिलिटीज तो सारी मिल रही है यार, यू कैन कंसिडर इट। नहीं भाई, ये जो है हमारी यूनिवर्सिटी का जो मेन हॉल है, जहाँ पे हमारे ज़्यादातर होते हैं फंक्शंस वगैरह, इवेंट्स वगैरह होते हैं, वो सब कुछ यहीं पे होता है। काफ़ी बड़ा हॉल है यहाँ पे, काफ़ी बड़ी स्पेस है। और उसके अलावा जो है मैं आपको दिखाता हूँ, इस साइड पे जो है हमारा मीडिया डिपार्टमेंट है, मीडिया डिपार्टमेंट के बाद यहाँ पे हमारी कैंटीन है, कैंटीन यहाँ पे है, एक कैंटीन जो है वहाँ पर है, ये दरमियान में जो है ये फार्मेसी है। लाइक कोई इशू होता है किसी भी स्टूडेंट को तो वो यहाँ पे आ सकता है। फाइनली यार लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको दिखाता हूँ मीडिया डिपार्टमेंट एंड देन लाइब्रेरी। मीडिया डिपार्टमेंट यार डिपार्टमेंट है, अंदर क्लासेस एंड ऑल दैट सब कुछ है। यहाँ पे प्रॉपर एक हमारा एफएम स्टूडियो भी ऊपर बना हुआ है, लाइक आपके पास सारी इक्विपमेंट्स, कैमराज, एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट अवेलेबल। और ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आपको अंदर जाके बताता हूँ। अच्छा यार तो दिस इज़ मी साइक्लोन की आवाज़ निकालते हुए, वो भी मुँह से। यार तो लाइब्रेरी का ये सीन है कि भाई लाइब्रेरी यहाँ पे काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, जिसके दो पोर्शंस हैं। यहाँ पे आपको इवन ज़मीन पे भी सेटिंग मिल जाती है, मैट्रेस वगैरह पड़े हुए, बैठ के पढ़ो, लेट के पढ़ो, आपकी मर्ज़ी। हर किस्म की यहाँ पे आपको बुक्स मिलेंगी। और यहाँ पे लाइब्रेरी के साथ साथ हमारे आपके पास डिजिटल लाइब्रेरी भी है, जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं। आप कुछ सर्चिंग करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। ये ऊपर सेकंड पोर्शन है और यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी सेटिंग एंड अ लॉट ऑफ बुक्स आर प्रेजेंट। यार अगर आपने पढ़ना है ना तो भाई आ जाओ। ये बता तू कभी यहाँ पे आए? यार बस आज व्लॉग बनाने के लिए। बस पता है कि इधर लाइब्रेरी थी यार पहली बार। आपको पता था यहाँ पे लाइब्रेरी भी है? आज पता लगा, आपने बताया। पक्की बात है? मैं तो ये पता था यहाँ पे लाइब्रेरी। मेरा अक्सर चक्कर लगता रहता है। किधर आते होते हो? मैं यहाँ पे सुबह सफाई कर रहा हूँ। रद्दी का काम तो नहीं शुरू किया हुआ? पढ़ना तो तुमने है नहीं, सफाई मेरे भी में। अगेन समथिंग स्पेशल जो कि हर यूनिवर्सिटी में नहीं होती, तो वो यहाँ का म्यूजियम है। लेकिन आपको देखने के लिए आना पड़ेगा क्योंकि फोटोग्राफी अलाउड। अच्छा तो यार ये था यूनिवर्सिटी का पूरा टूर, होप सो डैट आप सबने एंजॉय भी किया होगा। यार एक बात तो मैं बताना ही भूल गया भाई, यहाँ पे एडमिशन कैसे लेना है और एडमिशन स्टार्ट कब हो रहा है, आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यार उसका आंसर है कि यूनिवर्सिटी अच्छी है यार, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप आ जाओ। और एनवायरनमेंट वही बात है कि आप जहाँ पे जैसा एनवायरनमेंट बनाते हो वैसा बन जाता है। तो आप इस चीज़ को प्रेफर कर सकते हो, लाइक आपने पढ़ना है तो आप आ जाओ। लाइक यार दी की रैंकिंग में हज़ारा यूनिवर्सिटी फर्स्ट पे थी राइट? मैं तो रैंकिंग की वजह से आई। हाँ, फर्स्ट पे दी में इसकी रैंकिंग थी। और खूबसूरती में यार कमाल की और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लाइक आप कह सकते हो कि हज़ारा की सबसे प्यारी यूनिवर्सिटी है इवन। और एग्जैक्टली और भी हैं यार, लेकिन बहुत प्यारी है ना। एग्जैक्टली तो यार पढ़ाई वही भी अच्छी है, हॉस्टल का सीन जो है वो भी बेस्ट है, और गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ हॉस्टल्स हैं और एक्सटर्नल हॉस्टल्स भी हैं। तो आप लोग इस यूनिवर्सिटी, एक और बात, फी जो है वो बहुत रीजनेबल है। इस बात पे सब एग्री करते हो? गरीब यूनिवर्सिटी कहते हैं यहाँ पे लोग। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे फी बहुत रीजनेबल है, तो आप लोग इसको प्रेफर कर सकते हो। पढ़ाई भी है और फी भी है, 2-in-1 आपको मिल रहा है। तो भाई चुप करके ना आ जाओ, ठीक है? और क्या झूठ क्या बोल रहा हूँ? चुप करके आना, लोग बोलेंगे तो आएंगे। तुम्हें आदत है, बोलो तो। अच्छा और यार भाई इन सब को भी खवार करवाया मैंने, ठीक है? तो आप लोग भी बैठे रहो सीट बेल्ट पहन के अभी तक। तो यार अब सब्सक्राइब तो बनता है यार, नहीं अलीमा कितने थके हैं यार हम लोग, बताओ इन्हें ज़रा। अच्छा यार और एडमिशन्स जो है वो 2 महीने तक यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं, मीन्स टू से 1 अगस्त में।
और दो दफ़ा जो है साल में एडमिशन्स होते हैं जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। हाँ बट जो लॉ डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो है वो सिर्फ एक दफ़ा स्प्रिंग में एडमिशन्स ओपन होते हैं। तो आप लोग इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। यस और नो? यस यस और नो? यस। ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए? यस। क्यों जी? आला तालीम? क्लियरली नो। नो? अच्छा यार, ये इस्लामाबाद से आई थी, यहाँ पे आके डिसअपॉइंटेड हो गई है, हमें नहीं पता क्यों लेकिन हो गई है। तो मिलते हैं यार एक नेक्स्ट व्लॉग में। भाई सब्सक्राइब ना किया ना तो यार बस सब कुछ ख़त्म, आप लोगों के साथ मेरे रिश्ते नाते पाक कर दूंगा यार। अब तो बनाना छोड़ ही देना चाहिए भाई, यार इतनी मेहनत करके भाई बना रहा हूँ और अब भी आप लोग सब्सक्राइब ना करें तो भाई फिर खत्म, टाटा बाय बाय। ये भी तो बताओ अभी रिफ्रेशमेंट के लिए अभी से जाओगे? हाँ यार अभी रिफ्रेशमेंट के लिए लेके जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।